एक छोटे से फिश स्टोर का ओनर एक मर्डरस कपल के झांसे में आ जाता है। उसके बाद उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी कोल्ड फिश ये बहुत ही डेंजरस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की सिचुएशन हमें हमेशा एंगेज रखती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी एक कैरेक्टर जिसका नाम है टाइको, इसे हम देख सकते हैं। ये शॉपिंग कर रही थी और इसने सब फास्ट फूड वगैरह बाय किया है। घर पर आकर इसी को हीट अप कर वो सब फैमिली के लिए खाना बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टाइको की फैमिली हम देखते हैं। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नोबू और उसकी बेटी मित्सुको है। डिनर करते करते ही मित्सुको को उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया। वो बीच डिनर में वहां से चली गई। अब घर खाली था तो नोबू टाइको के साथ इंटीमेट होना चाहता था। एक्चुअल में टाइको मित्सुको की स्टेप मदर है, यानी कि नोबू की ये सेकंड वाइफ है। मित्सुको कभी भी घर पर आ सकती है, इसलिए टाइको उसे मना कर देती है। उसने जो खाना बनाया था इस वजह से नोबू को बहुत तकलीफ होती है। रात में नोबू को कॉल आता है। मित्सुको एक सुपर शॉप में गई थी और वहां उसने चोरी करने का ट्राई किया तो पकड़ी जा चुकी है। इस स्टोर का मैनेजर बहुत ही गुस्सा होता है। नोबू और मित्सुको को बहुत सुनाता है। अब वो उसे पुलिस को देने वाला था तभी हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है युकियो ये वहां पहुंचता है। युकियो इस मैनेजर से बात करता है कि छोटी सी गलती थी, मित्सु ऐसा कुछ भी फिर से नहीं करेगी। ये जो हमारा कैरेक्टर है युकियो मरुता, ये भी एक फिश स्टोर ओनर है। नोबू का भी एक फिश स्टोर है तो उसे जानता था। उसने उसे देखा तो हेल्प करने के लिए वहां पहुंच गया। मुराता ने मित्सुको को बचाया तो नोबू बहुत ही ग्रेटफुल है। मुराता अपने शॉप के बारे में नोबू को कहता है। ये बहुत ही बड़ा शॉप है तो नोबू भी इसमें इंटरेस्टेड था। मुराता उसे कहता है कि हम ऑन द वे मेरी शॉप देखने के लिए जा सकते हैं। मुराता की फिश शॉप ये बहुत ही बड़ी है। नोबू एक छोटी सी शॉप चलाता है तो उसे एम्बेरस लगता है। मुराता अपनी वाइफ जिसका नाम है आइको, इसे भी नोबू से मिलवाता है। आइको और मुराता इन दोनों में सही से रिलेशनशिप नहीं है, ये हम देख सकते हैं। मुराता नोबू को कहता है, जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरा बहुत ही बड़ा शॉप है, यहाँ पर मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो तुम अपनी बेटी को यहाँ काम के लिए भेज सकते हो। मेरे पास खुद के डॉर्म्स भी है जहाँ पर मित्सुको रह सकती है। नोबू के घर में मित्सुको और ताइको इन दोनों में हमेशा झगड़ा चलता है। मित्सुको अपनी स्टेप मदर को बहुत ही हेट करती है और एक दिन उसने उसे मारा भी था। नोबू को भी ये आइडिया अच्छा लगा। उसके बाद मुराता, उसकी वाइफ और ये सब लोग नोबू का शॉप देखने के लिए आए। मुरादा को नोबू का शॉप भी पसंद आया। वो कहता है तुम्हारे पास अलग अलग वैरायटीज है। इसके बाद शॉप देखकर मुरादा वहां से चला गया। रात में नोबू को एक सपना आता है, इसमें वो देखता है कि उसकी वाइफ, उसकी डॉटर ये सब बहुत ही खुश है। इन्हें वो प्लैनेटोरियम में लाया हुआ है। एक्चुअल में उसे प्लैनेट्स देखना ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन मित्सुको को ड्रॉप करने के लिए नोबू और ताइको ये दोनों आए हुए थे। नोबू वहां से चला गया और ताइको वही रुकी थी। मुरादा उससे बात करता है, कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम में और मित्सुको में बहुत ही ज्यादा झगड़े हैं। मित्सुको जो भी करती है क्या तुम अपने आप को ब्लेम करती हो? ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। ताइको को रिलैक्स फील करवाने के लिए उसे वो सिगरेट देता है। ताइको को हमेशा से सिगरेट की आदत है, मित्सुको को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो कभी भी घर में पी नहीं पाती। मुराता उसे कहता है ये सब गलती तुम्हारे हस्बैंड की है, उसने अपनी बेटी को जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके बाद मुराता ने ताइको को जकड़ लिया और उसके साथ वो इंटीमेट हो गया। वो फिर ताइको को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। नोबू भी शॉप में था तो मुराता उसे कहता है कि चलो तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। नोबू कहता है कि आज मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में मुराता एक बिजनेस प्रपोजल के बारे में नोबू से बात करना चाहता था। ये प्रपोजल फिर ताइको नोबू से कहती है कि मुराता अपने बिजनेस में तुम्हें पार्टनर बनाना चाहता है। उसके पास एक नया फिश है जिसकी वो फार्मिंग करेगा। नोबू इस डील में जरा सस्पिशियस है पर ताइको से कहती है कि हमारे लिए ये डील बहुत ही अच्छी रहेगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। फाइनली उसने नोबू को मना ही लिया। अगले दिन नोबू मुराता से मिलने के लिए गया। यहाँ पर मुराता के साथ और एक बिजनेस स्टोर का ओनर हम देख सकते हैं। इस स्टोर ओनर को नोबू जानता है। ये फिर मीटिंग के लिए बैठते हैं। ये जो दूसरा स्टोर ओनर है इसका नाम योशिदा है। मुराता योशिदा को कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही यूनिक सा फिश है, इसकी फार्मिंग हम करेंगे। इस फिश की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। योशिदा कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि इतना एक्सपेंसिव भी फिश हो सकता है। नोबू को भी ये चीज़ बिलीवेबल नहीं लगती है।
ये डील बहुत ही फास्ट हो रही थी। योशिदा कतरा रहा था पर पैसे देने वाला था। नोबू वहां से उठता है और मुरादा से अकेले में जाकर बात करता है। कहता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ डील करने के लिए नहीं आया था, मुझे इन सब के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। मुरादा उससे कहता है कि तुम सिर्फ प्रिटेंड करो कि तुम भी इस डील में हो, इससे हमें पैसे देने के लिए योशिदा को कॉन्फिडेंस आएगा। नोबू भी इसके लिए फिर मान जाता है। थोड़ी देर में योशिदा इस डील पर साइन कर देता है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो अल्कोहल वगैरह मंगवाते हैं। ड्रिंक करने के बाद अचानक से योशिदा के गले में कुछ खराश आने लगती है। उसे सांस लेने में तकलीफ आती है और इसी तकलीफ में उसकी डेथ हो जाती है। मुरादा नोबू को कहता है, हर आदमी कभी ना कभी तो मरने ही वाला है, सिर्फ योशिदा की डेथ मैंने फिक्स कर दी, इसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं किया। मुरादा ने नोबू के सामने ही योशिदा को मार डाला, इसे नोबू को बहुत ही शौक लगता है। मुरादा नोबू को कहता है कि तुमने फर्स्ट टाइम डेथ देखी है, जैसे थोड़े और टाइम देखोगे तुम्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब योशिदा की बॉडी ठिकाने लगाने में वो नोबू से हेल्प मांगता है। नोबू इसके लिए रेजिस्ट कर रहा था तो मुरादा कहता है कि तुम अपनी डॉटर, अपनी वाइफ के बारे में सोचो, यानी कि उसे धमकी देता है उसकी डॉटर और वाइफ को मार डालेगा। नोबू को मजबूरी में उसे मदद फिर करनी पड़ती है। ये फिर बॉडी लेकर एक रिमोट से कैबिन तक आ गए। मुरादा के साथ उसकी वाइफ भी आई हुई थी। ये दोनों मिलकर फिर इस बॉडी को काटने लग जाते हैं। नोबू यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसे अपनी वाइफ और डॉटर इन दोनों की याद आती है। इन्हें वो कोई भी ट्रबल होने नहीं दे सकता। वो फिर से अंदर आता है तो मुरादा उसे कहता है कि जाओ हमारे लिए कॉफी बना कर लाओ। सुबह होने पर इस बॉडी को जलाते हैं, बाकी कुछ बॉडी का रेसिड्यू वो एक नदी में जाकर फेंक आते हैं। मुरादा ने नोबू को योशिदा की एक वॉच दी, एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच थी। मुरादा नोबू से कहता है कि जब ये सब मामला ठंडा हो जाएगा, यानी कि 1-1.5 साल में, तब तुम ये वॉच यूज कर सकते हो। उसे कहता है अब तुम डायरेक्टली घर जाना और सब कुछ नॉर्मल बिहेव करना, अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचो। नोबू बहुत ही डिस्टर्ब था। घर पर आया और तायको को उसने गले लगा लिया। उसे बहुत ही दुख हो रहा था। कहता है मैं हमेशा तुम्हें बहुत ही ट्रबल में लाता हूँ, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी लाइफ पहले जैसे नहीं रही। उसे बहुत पछतावा होता है। अगले दिन मुरादा ने फिर से नोबू को मिलने के लिए बुलाया। नोबू की बेटी मित्सु को ये मुरादा के ही डॉर्म्स में रह रही है। नोबू उसे कहता है चलो घर चलो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, पर उसकी बेटी उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। अभी अभी इन्होंने जिसको मारा उसके कुछ रिलेटिव्स भी है, वो भी बहुत बड़े गुंडे हैं। उनका मुरादा को कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था, उसके बाद वो गायब हो गया। वो कल अब मुरादा से मीटिंग के लिए आने वाले हैं। मुरादा नोबू को बुलाता है, उसे कहता है कि हमारी स्टोरी हमें स्ट्रेट रखनी है। उन्हें कहना है कि योशिदा ने अपनी डील कंप्लीट करने के बाद किसी लड़की के साथ वो कहीं चला गया। ये जो सब कुछ बोलना है इसकी बहुत ही सही से प्रैक्टिस वो नोबू से करा लेते हैं, यानी कि वो डरे ना और कुछ भी प्रेशर में ना बोले। इस मीटिंग में मुरादा का लॉयर भी था। इस लॉयर का नाम ताकायासु है। नोबू जब घर पर जा रहा था तो ताकायासु उसे लिफ्ट देता है, उसे उससे कुछ बात करनी थी। इसी गाड़ी में मुरादा की वाइफ आइको भी बैठ गए। ताकायासु नोबू से कहता है कि मुरादा जो भी कर रहा है इससे बहुत ही बड़े ट्रबल में आएगा, मैं जल्द से जल्द उसे मार कर उसका ठिकाना लगाने वाला हूँ, उसका बिजनेस सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सब बात मुरादा की वाइफ आइको के सामने हो रही थी, पर ताकायासु और आइको इन दोनों में रिलेशनशिप है। आइको मुरादा पर चीट कर रही है। नोबू इस बात के बारे में कुछ भी कह नहीं रहा था। ताकायासु गाड़ी रोक कर उसे धमका कर कहता है कि अपनी वाइफ, अपनी बेटी के बारे में सोचो। जब नोबू घर पर आया तो अपनी वाइफ को डायरेक्टली प्लेनेटोरियम में लेकर आता है। उसके अपनी वाइफ के साथ कई दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इस पर वो वर्क करना चाहता है। इनकी ये डेट बहुत ही अच्छी थी। उसकी वाइफ उसे कहती है कि हम फर्स्ट टाइम इसी प्लेनेटोरियम में मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तुम भी मेरे तरह ही रोमांटिक हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योशिदा के रिलेटिव्स मुरादा से बात करने के लिए आए हुए हैं। मुरादा ने जो भी स्टोरी क्रिएट की थी ये सब उन्हें बता देता है। ये उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। मुरादा फिर रोने का नाटक करता है। वो उनसे डर चुका है और सच कह रहा है, ये सब वो उन्हें कन्विंस कर देता है। इनके जाने के बाद मुरादा को लॉयर उसे कहता है कि ये ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। मुरादा कहता है वक्त आने पर हम इन्हें भी ठिकाने लगा देंगे। इस मीटिंग के बाद नोबू से कुछ पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए आए। उससे वो कहते हैं कि तुम मुरादा के साथ आजकल दिखने लग गए हो,
हम तुम्हें वार्न करना चाहते हैं, मुराता ने पहले ही 30-40 लोगों को गायब किया है। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। पुलिस को ये भी शक जाता है कि नोबू मुराता के साथ काम कर रहा है। पुलिस ने नोबू को अपना कार्ड दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉयर मुरादा की वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा था। नोबू को मुरादा का कॉल आया और वो बहुत ही डिस्टर्ब था। उसने जल्दी से नोबू को उसके घर पर बुलाया। वो नोबू को ड्राइव करने के लिए कहता है और पूछता है, तुमने पुलिस को बताया क्या? पुलिस इनका पीछा कर रहे हैं, तो नोबू को इनका पीछा छुड़वाने के लिए वो कहता है। नोबू ने सक्सेसफुली उनसे पीछा छुड़वा लिया। इसके बाद मुरादा, उसकी वाइफ और लॉयर जहाँ पर है वहाँ पहुंच गया। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि ताकायासु की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। ताकायासु का एक आदमी भी वहां था। उसे शक चला गया कि मुरादा और उसकी वाइफ का ये प्लान था। मुरादा जल्दी से उसे भी मार डालता है और फिर से इन दोनों की बॉडीज लेकर वो उसी कैबिन तक पहुंचते हैं। मुरादा जब भी बॉडी को कट करता है, नोबू यहाँ से दूर चला जाता है। मुरादा इस बार उससे कहता है, तुम्हें भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर तुम लोगों को गायब करना सीख जाओ तो कभी भी ट्रबल में नहीं आओगे। इसी वजह से मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाता। फिर से इन्होंने सब कुछ चीजें जला दी और एक ब्रिज पर जाकर सब बॉडी का ठिकाना लगा दिया। मुरादा को लगता है कि नोबू हमेशा प्रिटेंड करता है कि वो अच्छा आदमी है। वो नोबू से कहता है कि तुम कुछ भी अच्छे वगैरह नहीं हो। तुम अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते थे, इसीलिए तुमने मित्सुको को मेरे लिए काम करने के लिए भेज दिया। तुम सिर्फ डर कर कुछ कहते नहीं, तुम्हें मेरी तरह टफ बनना चाहिए। मेरे खिलाफ जो कोई भी जाता है मैं उसे मार डालता हूँ। बातों बातों में वो ये भी कह डालता है कि मैं तुम्हारी वाइफ के साथ भी इंटीमेट हुआ हो। वो नोबू को कहता है, तुम्हें बदला लेने के लिए मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट होना चाहिए। उसे परमिशन दे देता है। जबरदस्ती नोबू को आइको के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इंटीमेट होते होते उसके हाथ में एक पेंसिल आ गई थी। ये पेंसिल लेकर वो डायरेक्टली मुरादा पर झपक पड़ता है। उस पर बहुत सारे वार करता है और मार डालता है। मुरादा की वाइफ भी थोड़ी सी डर गई थी। नोबू उसे कहता है, मुझे इसकी लाश ठिकाने लगाने में हेल्प करो, आज से तुम मेरी बन चुकी हो। अब नोबू सब चीजों से तंग आ चुका है। उसके साथ जो भी हुआ इसके बाद वो कंट्रोल लेना चाहता था। वो आइको को कहता है कि अब से तुम मेरी बन चुकी हो। वो उसे बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहकर डायरेक्टली मित्सुको के पास आया। मित्सुको अभी भी मुरादा के शॉप में थी, तो उसे कहता है कि घर चलो। वो मान नहीं रही थी। उसे जोर से झापड़ लगाया और जबरदस्ती घर लेकर आया। घर आकर अपनी वाइफ को खाना बनाने के लिए कहता है। वो मना कर रही थी तो उसे भी वो मारने वाला था, पर वो मान गई। ये जब लंच कर रहे थे तभी मित्सुको को उसके बॉयफ्रेंड का फिर से कॉल आ गया। वो यहाँ से जा रही थी। नोबू की उसने नहीं मानी तो नोबू बाहर आया। मित्सुको के बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। मित्सुको को भी उसने पंच किया और वो बेहोश हो गए। हमेशा जब वो घर पर होती थी तब अपनी वाइफ के साथ वो इंटीमेट नहीं हो पाता था। अब वो बेहोश है तो जबरदस्ती अपनी वाइफ के साथ वो इंटीमेट हो जाता है। उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम मुरादा के साथ सोई हुई हो। अगर तुम खुश नहीं थी तो मुझसे बात कर सकती थी। हम इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालते। वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वो फिर अपनी वाइफ और बेटी को जहाँ पर सब बॉडीज को ठिकाने लगाया जाता है उस केबिन तक लेकर आया। अंदर जाकर एक बड़ा सा पॉट उसने लिया। मुरादा की वाइफ आइको को मारने की वो कोशिश करता है। इनमें बहुत बड़ी फाइट होती है और फाइनली वो आइको को मार ही डालता है। वो खून से लथपथ होकर बाहर आया। उसकी वाइफ उसे समझाने के लिए उसके पास आई, पर उसने उसकी वाइफ को भी मार डाला। वो फिर अपनी बेटी के पास आता है। उसके हाथ पर थोड़ी सी चोट लगाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें जिंदा रहना है? मित्सुको कहती कि हाँ, प्लीज मुझे जिंदा रहना है। नोबू कहता है कि जिंदा रहना है बहुत ही पेनफुल है। ये कहकर उसने चाकू से अपने आप का ही गला काट लिया। मित्सुको को उसने जीने दिया। ये जो हमारा मेन कैरेक्टर नोबू था, एक नॉर्मल आदमी की तरह फिश शॉप चलाता था। उसकी बेटी ट्रबल में आ गई, इसी वजह से वो मुरादा से मिला। मुरादा ने एक मर्डर में उसे पूरी तरीके से फंसा लिया। नोबू के साथ जो भी हो रहा था ये उसके लिए बहुत ही टफ था। उसके बाद उसे पता चला उसकी वाइफ ने भी उस पर चीट किया। इस पर गुस्से में आकर उसने सबसे बदला लिया। फाइनली अपनी बेटी से वो प्यार करता था तो उसे उसने छोड़ दिया। उसे पता है कि उसने जो किया वो बहुत ही गलत किया है, तो अपने आप को भी मार डाला।
मूवी के लास्ट में वो कहता है कि लाइफ बहुत ही पेनफुल है, ये लाइफ की एक सैड रियलिटी पता कर हो जाता है। इसी तरीके से इस मूवी की हार्ट ब्रेकिंग और डार्क एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखना।